ये वीडियो पूर्वी चंपारण जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर की हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे भारतीय किसानों को सब्सिडी पर मिलने वाले यूरिया खाद की तस्करी कर उसे नेपाल पहुंचाया जा रहा है। एक तरफ भारतीय किसानों में इस यूरिया खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। 266 रुपये की दर से ये यूरिया खाद मिल रहा है और भारतीय किसान इसे ब्लैक मार्केट में 400 से 450 रुपए में खरीद रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रोज हर दिन हजारों बोरा यूरिया तस्करी कर नेपाल पहुंचाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि सीमा क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से खुलेआम यूरिया खाद की इस तरह से तस्करी हो रही है और ये कोई नई बात नहीं है। लंबे अरसे से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और लगातार यूरिया खाद की तस्करी की जा रही है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव रंजन जुड़ चुके हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव, जिस तरह से ये घटना, ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। जी उदय, बिल्कुल आपने जो बताया कि पूरे सिस्टम पर ये सवाल जो है, ये तस्वीर जो दिखाई गई है, ये पूरे सिस्टम पर एक तरह से काला धब्बा कहा जा सकता है, सिस्टम को फेल्योर कहा जा सकता है। आपको बता दूं कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित कई थाना क्षेत्र है, झड़ौकर थाना क्षेत्र, कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र, जितना थाना क्षेत्र, घोड़ासन थाना क्षेत्र, इन इलाकों में जो यूरिया खाद की तस्करी होती है, भारी मात्रा में तस्करी होती है। लगभग रोज पर डे रेशियो बताया जाए तो हजारों बोरा की तस्करी यहाँ से नेपाल पहुंचाया जाता है तस्करों के द्वारा। और सबसे ताजुब की बात है कि इस संबंध में मैंने बनकटवा के कृषि पदाधिकारी से बात किया था तो उन्होंने बताया कि अगर लोग तस्करी कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर दुकानदार ज्यादा भाव में बेच सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये उनका बयान अपने आप में ही ये एक तरह से बयान करता है कि किस तरह तस्कर जो है हावी है इस क्षेत्र में। और मैं आपको कई नाम गिनवा सकता हूँ, गाँव का नाम गिनवा सकता हूँ जहाँ से ये तस्करी होती है लगातार। उदय, बिल्कुल लगता है कि कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से मिला हुआ है या फिर कहीं ना कहीं इस पे चढ़ावे का खेल होता होगा, उसके बाद ये खेल चल रहा है। बिना चढ़ावे का यहाँ से पार ही नहीं कर सकता है। कुछ तस्कर से भी हम नाम न लेने के शर्त पे कुछ तस्कर ने हमको बताया कि यहाँ से हम लोग पहले स्थानीय प्रशासन को चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसके बाद ही हम लोग को रूट क्लियर किया जाता है, लाइन दिया जाता है एक तरह से कि यहाँ इस टाइम में आप पार करा सकते हैं इस क्षेत्र से, और ये यूरिया की तस्करी उस क्षेत्र से होती है। जिस तरह से यूरिया पे सब्सिडी जो है भारत के किसानों को दिया जाता है, मतलब लगभग 900-950 के आसपास यूरिया के एक 50 किलो के बोरी का जो दाम होता है और उसको सब्सिडी में 266 रुपया लेना है भारतीय किसानों से, लेकिन ये तस्करी करके 450 से 500 में नेपाल में बेचा जा रहा है। जबकि यहाँ के किसानों को भी अगर यूरिया चाहिए तो 450 से 450 तक कहीं मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। चलिए राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस तरह की घटनाओं पर, ये जो खेल चल रहा है, उस पर कब तक कार्रवाई करती है, क्योंकि बिहार के किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा और दूसरी तरफ आलम यह है कि हजारों बोरियों यूरिया खाद इसे नेपाल भेज दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, काफी गंभीर मामला है ये। इंडो नेपाल बॉर्डर में यूरिया खाद की खुलेआम तस्करी हो रही है और स्थानीय प्रशासन पर लोगों ने मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। ये तस्वीरें देखकर साफ पता चलती हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि इन्हें सिग्नल दिया जाता है कि इस वक्त आप लेकर क्रॉस करिए और ये एक साथ तमाम लोग वहां से खाद की बोरियां लेकर चल पड़ते हैं। आप देख सकते हैं एक एक साइकिल में 4-4 बोरियां तक लदी हुई है और इसी तरह से खुलेआम खाद की कालाबाजारी या तस्करी हो रही है।